हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ई लर्निंग में आज का हमारा टॉपिक है केबलिंग बेसिक्स। यह वीडियो लेक्चर हमारा फाइबर इंस्टॉलेशन का एक कंटेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, अपॉन कंप्लीजन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द स्टेप्स ऑफ फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाने की डिफरेंट स्टेप्स जो होती है उसको समझेंगे। ये हमारा लर्निंग आउटकम नंबर वन होगा। इसके अलावा हम और जानेंगे कि केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है। बेयर फाइबर को हम केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों है, ये हमारा लर्निंग आउटकम नंबर टू होगा। इसके अलावा हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिज़ाइन करने के लिए जो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं या डिज़ाइन क्राइटेरिया होते हैं उसको समझेंगे। दिस थ्री आर आवर लर्निंग आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। ऑप्टिकल फाइबर केबल का हम यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। हमारा ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर होता है बेसिकली, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को लाइट के इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। लाइट सोर्स हमारी लाइट सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसमें ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो फाइबर हमारी लाइट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ले जाता है, और रिसीवर में फोटोडायोड उसको फिर से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कि सिग्नल हमारा लाइट के फॉर्म में होता है, करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस कुछ सेवरल किलोमीटर हो सकती है ना, कुछ मीटर से लेके इवन कुछ 50 to 100 किलोमीटर हो सकती है, और डिफरेंट उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हो सकती है या डिफरेंट इन्वायरमेंट भी हो सकते हैं। तो उसी की स्टडी हम इस वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती है, मीन्स डिफरेंट प्रोसीजरल स्टेप्स होती है। उसमें सबसे पहले तो हमें बेयर फाइबर को बनाने का तरीका पता होना चाहिए। बेयर फाइबर मीन्स ओनली ग्लास फाइबर, जिसमें उसके लिए सबसे पहले हमें तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर को हम बोलते हैं सिलिका ग्लास फाइबर, क्योंकि सिलिका मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, और उसमें कोर और क्लेडिंग में डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन करने के लिए हमें GeO2 डोपिंग की भी ज़रूरत पड़ती। तो ये दो मटेरियल मेन होते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाते हैं, सिलिका ग्लास फाइबर को बनाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ और मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती है ना, जो कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसमें हमें हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल वो जो प्रीफॉर्म हम जानते हैं, प्रीफॉर्म को से हम फाइबर को ड्रॉ करेंगे तो हमें टेम्परेचर कंट्रोल या विस्कोसिटी कंट्रोल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम उसके लिए हम कुछ और मटेरियल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर द फोर बेसिक मटेरियल्स जो कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाने के लिए या फाइबर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये फाइबर से हम प्रीफॉर्म बनाते हैं। प्रीफॉर्म हम जानते हैं अल्ट्रा प्योर ग्लास की रॉड होती है। तो प्रीफॉर्म बनाने के भी अलग अलग मेथड्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है MCVD मेथड, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रीफॉर्म बनाती है। अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है कि बहुत ही लो एटेन्यूएशन का सिलिका ग्लास फाइबर बनाती है। MCVD मेथड से जो प्रीफॉर्म बनता है वो हमारा ग्लास की एक रॉड होती है। हम जानते हैं ये ग्लास की रॉड्स जिसमें कोर क्लेडिंग मटेरियल कंटेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रीफॉर्म। प्रीफॉर्म से हम हेयर साइज का हम फाइबर ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक अगले स्टेप में जाना पड़ता है, स्टेप नंबर 3 में, जिसको बोलते हैं हम फाइबर ड्राइंग स्टेप। फाइबर ड्राइंग में हम जानते हैं कि एक ड्राइंग टावर में की हेल्प से हम प्रीफॉर्म से फाइबर हेयर साइज या हेयर थिन साइज का हम फाइबर को ड्रॉ करते हैं।
प्रीफॉर्म से हम फाइबर को ड्रॉ करते हैं और हम उस फाइबर को हम कलेक्ट करते हैं। तो जो जो फाइबर यहाँ पर कलेक्ट होता है इसी को बोलते हैं हम बेयर फाइबर, जिसमें कोर, क्लेडिंग और प्लास्टिक कोटिंग होती है। तो ये तीन स्टेप्स के बारे में हम ऑलरेडी हम डिटेल्स में जानते हैं। अब हमारा आगे का कंटेंट है कि इन बेयर फाइबर को हम उसको केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट स्टेप इज द जो प्रीफ बेयर फाइबर्स है उन फाइबर को केबलिंग करना या केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये चौथी स्टेप्स में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल हम अल्टीमेटली आउटपुट में मैन्युफैक्चर करके आउटपुट में हम लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि ऑप्टिकल फाइबर को हमें केबलिंग करने की ज़रूरत क्यों है। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि केबल बेसिकली बोलते किसको है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज़ द पैकेजिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मीन्स जो हमारा बेयर फाइबर अभी तक मैंने बात किया स्टेप नंबर तीन तक, वो जो बेयर फाइबर्स जो कि ग्लास के बने होते हैं उन ग्लास के बेयर फाइबर्स को पैकेजिंग करना, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। पैकेजिंग मीन्स किस किस की पैकेजिंग, तो हमारा जो केबल रहेगी उसमें बेयर फाइबर्स होंगे, एक फाइबर होंगे या एक से ज़्यादा फाइबर होंगे। मोस्टली हम केबल की बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे फाइबर का बात कर रहे हैं, बहुत सारे बेयर फाइबर की हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। तो उसमें बेयर फाइबर्स होंगे, साथ ही उसमें स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्टिंग के लिए मटेरियल्स भी होंगे। ये हमारे बेयर फाइबर्स है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक कोटिंग की वजह से अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये दीज आर द बेयर फाइबर्स, ये बेयर फाइबर्स है जो कि ग्लास के बने हुए हैं और इसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग है प्रोटेक्टिंग, ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है, ये स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है, इसी तरह से कुछ प्रोटेक्टिंग मटेरियल है, ये हमें आउटर शीट प्रोटेक्टिंग मटेरियल है, ये प्रोटेक्टिंग मटेरियल। तो लाइक दिस मीन्स स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स का हमने ऑप्टिकल बेयर फाइबर्स के साथ एक पैकेज बनाने को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द पैकेजिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कंटेनिंग ग्लास फाइबर्स एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग एंड प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स। कारण की बात करें हम तो हमें इसको बेयर फाइबर को केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है। तो पहला रीज़न तो बहुत सिंपल है कि ईज ऑफ हैंडलिंग। बेयर ग्लास फाइबर जैसा कि हम जानते हैं कि हेयर थिन साइज का है और ग्लास का है, तो डेफिनेटली इतने छोटे फाइबर को हम कुछ किलोमीटर्स तक की इंस्टॉलेशन में हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल है इस तरह की चीज़ को हैंडल करना। तो क्योंकि साइज बहुत छोटा है इसलिए उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, है ना। टोटल मिला के ग्लास की जो फाइबर बनता है बेयर फाइबर वो 250 माइक्रोमीटर है, और 250 माइक्रोमीटर के ग्लास फाइबर को हमें हैंडल करना ईजी नहीं है अगर उसको केबल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करें तो। इसके अलावा प्रैक्टिकली जो केबल होती है उसमें मोस्टली 2 फाइबर, 8 फाइबर, 48 फाइबर, 96 फाइबर या इवन 200 या इवन मोर देन 200 फाइबर्स होते हैं। तो बहुत सारे फाइबर अगर हो तो डेफिनेटली उसको एक केबल के फॉर्म में पैकेजिंग करना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। इसके अलावा और बात करूँ मैं हैंडलिंग इजी के बारे में, तो हमें अल्टीमेटली हमें ट्रांसमिटिंग एंड पे और रिसीविंग एंड पे हमें जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उनके साथ हमें उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। तो टर्मिनेट करेंगे तो हमें माउंट पैनल्स यूज़ करना पड़ते हैं और कनेक्टर्स लगाना पड़ते हैं। तो केबल के फॉर्म में अगर हमारा फाइबर कन्वर्टेड है तो ये काम हमारा टर्मिनेशन काफ़ी इजी हो जाता है, अदरवाइज तो इट सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकल। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि केबल करने से हमारा जो बेयर फाइबर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है ना, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्टिंग जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली हमारे केबल को स्ट्रेंथ या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला प्रोटेक्शन है स्ट्रेस अलोंग द फाइबर्स, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल को जब हम इंस्टॉल करते हैं या अल्टीमेटली उसको यूज़ करते हैं तो केबल पे ये लोड आता है, अलोंग द फाइबर ये लोड आता है, टेंशन आता है। तो अगर हम स्ट्रेंथनिंग मटेरियल नहीं देंगे तो ये टेंशन की वजह से हमारा केबल कहीं से या फाइबर ब्रेक हो सकता है।
तो हमें जितना ज़्यादा टेंशन है फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग, है ना, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन या इवन आफ्टर इंस्टॉलेशन, हमें जितना ज़्यादा स्ट्रेस है या जितना ज़्यादा हमारा खिंचाव है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें स्ट्रेंथनिंग मटेरियल उसमें ऐड करना पड़ते हैं। अगर स्ट्रेंथनिंग या डेंजर कम है, है ना, मतलब केबल को डैमेज करने का डेंजर कम है, तो हमें कम स्ट्रेंथनिंग मटेरियल या कम स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स यूज़ करना पड़ते हैं। पर अगर हमें ये टेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्रश रेजिस्टेंस, है ना, तो दूसरा रीज़न है प्रोटेक्शन में कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को कहीं साइड से भी वो डैमेज होने के चांस रहेगा, कहीं साइड से फोर्स लगा, है ना, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन या इवन आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो हमारी केबल में अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है तो हमारी केबल कहीं से डैमेज हो सकती है। जैसे यहाँ पर किसी वजह से ये साइड में फोर्स लग के डैमेज हो चुकी, तो इस डैमेज को रोकने के लिए हम उसको केबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा चूंकि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में करते हैं, अलग अलग मॉइस्चर का कंडीशंस होती है, कभी तो केबल को पानी में भी, जिसको अंडर वाटर या अंडर सी केबल यूज़ करते हैं, तो वो ज़रूरत पड़ती है, कहीं टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर से भी में भी जा सकता है किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और कहीं पर 50 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, या इसके अलावा और भी नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, विंड हो सकता है, या इवन मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फायर भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे केबल को डिटोरिएट करते हैं या डैमेज करने के चांस होते हैं। तो परमानेंट डैमेज एकदम से नहीं हो, तब भी हर एक केबल की क्या होती है, लाइफ होती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन हर एक केबल को क्या करती है, डिग्रेड करती है, डिटोरिएट करती है। तो डिटोरिएशन से बचाने के लिए या केबल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, केबल की लाइफ को एक साल से भी ज़्यादा, दो साल से भी ज़्यादा, 10 साल, इवन 20 ईयर्स हमें लाइफ करना है, डेफिनेटली हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, है ना। तो बेयर फाइबर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम उसको केबलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दीज आर द फ्यू रीजंस फॉर द केबलिंग। केबलिंग करने के लिए डेफिनेटली बताया मैंने कि बेयर फाइबर के अलावा हमें स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो कितना स्ट्रेंथनिंग चाहिए, कितना प्रोटेक्शन चाहिए, वो डिपेंड करेगा, या जिसको हम कहते हैं कि केबल की डिज़ाइन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिपेंड किस पे करेंगे, कि हमारे केबल की इंस्टॉलेशंस की लोकेशंस क्या है, मीन्स किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में केबल इंस्टॉल होती है। तो बगैर इंस्टॉलेशन की लोकेशन समझे हम उसकी डिज़ाइन की बात नहीं कर सकते हैं। तो ब्रॉडली बात करूँ मैं तो इंस्टॉलेशन की दो कैटेगरी की लोकेशंस हो सकती है, एक इनडोर इंस्टॉलेशन और एक आउटडोर इंस्टॉलेशन। इंडोर इंस्टॉलेशन मींस किसी एक कैंपस में या किसी एक बिल्डिंग में अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंडोर इंस्टॉलेशन। और आउटडोर इंस्टॉलेशन मींस लंबी दूरी पर, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे हम, तो डिफरेंट रगेट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है जिसको हम बोलते हैं आउटडोर इंस्टॉलेशन। इंडोर इंस्टॉलेशन के भी एग्जांपल हम समझें तो पता है मैंने कि इंडोर इंस्टॉलेशन मीन्स किसी एक कैंपस में या किसी एक प्रीमाइस में अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल कर रहे हैं तो डेट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन का इंडोर इंस्टॉलेशन। इस तरह के इंस्टॉलेशन कुछ एग्जांपल बताऊँ मैं तो, फॉर एग्जांपल रूम के अंदर कोई टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम है या दो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल करता है, या पैनल से हमें ट्रांसमीटर या रिसीवर के बीच में जो कि रूम के अंदर ही है दोनों वो उसमें इंस्टॉलेशन कर रहा है। इससे थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन की बात करूँ मैं तो एक ही बिल्डिंग के दो रूम के बीच में अगर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल कर रहे हैं, या और डिफिकल्ट की बात करूँ मैं तो एक ही प्रीमाइसेस में दो बिल्डिंगों के बीच में हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो भी इंडोर का एग्जांपल है। इसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स के बीच में हम बात करें, इसके अलावा हम कोई टेम्प्रेरी कोई न्यूज़ गैदरिंग सिस्टम हो रहा है या कहीं पर प्रवचन हो रहे हैं या कहीं पर लेक्चर्स हो रहे हैं जो कि टेम्प्रेरी, या कहीं पर कोई
मेला लगा है, तो वहाँ पर अगर हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए टेम्परेरीली सारा काम टेम्परेरी अगर हम वहाँ पे हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल करना हो, तो इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडोर एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स में जो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हम यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली उसको नाम तो बोलते हैं हम प्रीमाइस केबलिंग, बेसिक नाम क्या बोलते हैं हम प्रीमाइस केबलिंग या इंडोर केबलिंग। इस वाले केस में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लेवल है उतना ज़्यादा हमें प्रोटेक्शंस की ज़रूरत उतनी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेन जो केबल इंस्टॉलेशन की या मेन जो डिज़ाइन की बात करते हैं वो बेसिकली आउटडोर इंस्टॉलेशन होती है। आउटडोर इंस्टॉलेशन में भी ब्रॉडली तीन कैटेगरी होती है, पहला अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर। अब ज़मीन के अंदर भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होती है, डायरेक्ट सॉइल से टच वाला फाइबर केबल होती है या फिर हम किसी डक्ट में इंस्टॉल करते हैं या नाली में या ट्रेंच में इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह के इंस्टॉलेशन में हमें स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्शन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी होती है आउटडोर इंस्टॉलेशन की एरियल इंस्टॉलेशन, फॉर एग्जांपल पोल टू पोल, मींस एक इलेक्ट्रिक पोल से एक पोल से दूसरे पोल के बीच में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल है हमारा आउटडोर एरियल केबल इंस्टॉलेशन। इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशंस अलग होगी और इसमें विंड की कंडीशंस भी अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेंथनिंग एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा तीसरा एक और कैटेगरी होती है आउटडोर इंस्टॉलेशन की अंडर वाटर, और अंडर वाटर में एक अच्छा एग्जांपल है समुद्र के अंदर, है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन करना हो तो हमें समुद्र में केबल को इंस्टॉल करना पड़ती है, इसको बोलते हैं हम सबमरीन केबल इंस्टॉलेशन। तो सबमरीन पर्पस के लिए, समुद्र पर्पस के लिए हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई, है ना, इंडोर की कंडीशंस अलग होती है, आउटडोर की कंडीशंस अलग होती है, खासतौर पर स्ट्रेंथनिंग या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो हमें आउटडोर केबल पे कुछ कि आउटडोर केबल को डिज़ाइन करते समय स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। तो इन पॉइंट्स की बेसिस पे हम बात करूँ तो हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन को अफेक्ट करने या डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो इंडोर आउटडोर के को लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है केबल को डिज़ाइन करते समय, है ना, इन्वायरमेंटल में हमें क्या देखना पड़ता है कि कितना मॉइस्चर के कंटेंट में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी या कि वाटर कंटेंट में आएगी, क्या टेम्परेचर कंडीशंस होगी जहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, खासतौर पर आउटडोर में तो एरियल में तो विंड का प्रेशर कैसा होगा, हवा का मतलब दबाव किस टाइप से होगा, केबल कितनी हिलेगी या झूलेगी, जिसको बोलते हैं सिंपल पहाड़ों पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर बिजली चमकती है, बारिश के दिनों में जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सॉइल की कंडीशन, अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर रहे हैं तो मिट्टी की कंडीशन किस तरीके से है, साथ ही बायोलॉजिकल कंडीशंस किस तरीके से, रोडेंट्स से या कहें कि चीटियाँ या जो भी केबल को खाने वाले या केबल को डैमेज करने वाले जो एलिमेंट्स है वो कितनी पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्शन मटेरियल को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहली कंडीशंस क्या रखना पड़ती है ध्यान में हमें, इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन किससे डिसाइड होती है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को इंस्टॉल कहाँ पर करेंगे। इसके अलावा दूसरी फैक्टर जो कि ध्यान में रखना पड़ता है केबल के लिए, ऑप्टिकल जो कि हमारे फाइबर, मतलब उसमें हमें कितने फाइबर, मतलब दो फाइबर की केबल बनाना है या हमें 48 फाइबर केबल बनाना है या 2000 फाइबर केबल बनाना है, डिपेंड करेगा कि हमें कितना इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बनाना है, है ना, या हमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी बनाना है, और साथ ही हमें ये भी देखना पड़ता है कि भविष्य के पर्पज़ के लिए हमें कितने फाइबर को हमें रिजर्व रखना है। मीन्स हमें ऑप्टिकल कंडीशंस मीन्स हमें ये डिसाइड करना रहता है कि कितने नंबर ऑफ़ फाइबर्स की हमें केबल बनाना है। एक फाइबर की केबल बनाएंगे तो सिंगल फाइबर केबल बोलते हैं उसको, और एक से ज़्यादा अगर फाइबर किसी केबल में है तो उसको बोलते हैं हम मल्टी फाइबर केबल। तो मल्टी फाइबर केबल में कितने नंबर ऑफ़ फाइबर्स रखना है वो हमें ध्यान में रख के ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन करना पड़ती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैकेनिकल, है ना, कि हमें कितना स्ट्रेंथ का केबल हमें बनाना है, है ना। स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे करता है कि कितना मैक्सिमम टेंसाइल लोड, मींस केबल को जब हम
इंस्टॉल करते समय खींचेंगे, इसको बोलते हैं पुलिंग, वो कितना फोर्स लगेगा। इंस्टॉल करके हमने रख दिया है, फॉर एग्जांपल पोल टू पोल इंस्टॉल करके रख दिया, तो केबल पे कितना टेंसाइल लोड आ रहा है, तो हमें कितना मैक्सिमम लोड आ सकता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेंथ मटेरियल हमें डिसाइड करना पड़ते हैं। साथ ही दूसरा मैकेनिकल पैरामीटर होता है मिनिमम बेंड रेडियस, हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को कितना मोड़ना या कितना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करना है, मीन्स ये कितना मोड़ सकते हैं हम केबल को जब हम केबल ऐसे बेंड करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम मिनिमम बेंड रेडियस, है ना। कुछ केबल को हम केवल इतना ही मोड़ सकते हैं, कुछ केबल को हम और ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, तो हमें जितना बेंडिंग स्ट्रेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कितने स्ट्रेंथनिंग मेंबर या कौन से स्ट्रेंथनिंग मेंबर हम यूज़ करें। तीसरा मैकेनिकल फैक्टर होता है कि केबल को साइड से, मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो साइड से कितना फोर्स लगेगा ताकि हमारी केबल जो यहाँ पर डैमेज नहीं हो, जिसको क्रशिंग फोर्स बोलते हैं, तो कितना मैक्सिमम क्रशिंग फोर्स लगेगा जहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ते हैं स्ट्रेंथनिंग एंड प्रोटेक्टिंग मेंबर्स। तो ये मैकेनिकल पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को ध्यान में रख के हमें ऑप्टिकल फाइबर के केबल के स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स को डिसाइड करना पड़ता है। इसके अलावा लास्ट पैरामीटर को ध्यान में रखना पड़ता है, वो कंस्ट्रक्शनल, मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मेंबर देने की ज़रूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट हो उतना, अदरवाइज तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की साइज़ में वेरिएशन होगा, मीन्स हमें बहुत ज़्यादा मोटी केबल अगर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हमें साइज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हम देने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा तो ऑप्टिकल फाइबर का वेट भी अननेसेसरी बढ़ेगा, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी भी मुश्किल हो जाएगी, तो हमें इन फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल फैक्टर, या फिजिकल पैरामीटर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें कितनी मोटी केबल बनेगी या कितनी मोटी केबल बनाना है अल्टीमेटली, और कितना वेट की केबल बनाना है, और कितना उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें प्रोवाइड करना है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होना चाहिए थोड़ा रिलेटिवली इजी, क्योंकि केबल मैन्युफैक्चर कहीं और होती है, इंस्टॉल कहीं और होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये जो चार बेसिक फैक्टर हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन करना पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा अभी तक कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाने की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती है, तो हमने देखा कि चार स्टेप्स में ऑप्टिकल फाइबर केबल बनता है, है ना। साथ ही हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को बनाना क्यों है, मीन्स हमें बेयर फाइबर से उसको स्ट्रेंथनिंग और प्रोटेक्टिंग मटेरियल भी साथ में ऐड करने की ज़रूरत क्यों है, तो हमने देखा रीजंस ऑफ केबलिंग या नीड ऑफ केबलिंग। साथ ही हमने लास्ट में हमने देखा कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन करते हैं तो हमने देखा कि बहुत वेराइटी की डिज़ाइन हो सकती है ना, कोई पतली केबल भी बनती है, कोई मोटी केबल भी बनती है, किसी में स्ट्रेंथनिंग कम होती है, किसी में स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा होती है, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिज़ाइन किस तरह की हो, तो हमने देखा कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कुछ मैकेनिकल कंडीशंस और कुछ ऑप्टिकल कंडीशंस और साथ ही कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होती है, जिस जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, मीन जिन जिन चीज़ों से मिलकर ऑप्टिकल फाइबर केबल बनते हैं, उनके नाम और उनके काम क्या रहते हैं, तो हमारी डिज़ाइनिंग को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेंथनिंग और कौन कौन से प्रोटेक्टिंग मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की केबल की डिज़ाइन होती है, तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। इस वीडियो लेक्चर को हम ऑनलाइन भी हम समझ सकते हैं, इन मतलब इस तरह के टॉपिक्स को, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि FOA.org इस वेबसाइट को अगर हम रिफ़र करेंगे तो हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के असाइनमेंट, जो कि आपको विद इन कंडीशंस सबमिट करना है, तो असाइनमेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट स्टेप्स ऑफ फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फाइबर ऑप्टिक केबल।
क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट नेम ऑफ थ्री फैक्टर्स डिटरमाइनिंग केबल डिजाइन। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक पेज में मुझे इस क्लासरूम में, या क्लासरूम में अगर अपलोड नहीं हो पाता है किसी कारण से तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। थैंक यू।